हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो मेरी 3 क्लासेस हुई हैं उसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा और कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया होगा। अभी तक जो भी CFS चल रहा है वो क्लास ट्वेल्थ का ही है, लेकिन उसका भी मैं आपको रिवीजन करवा के अभी क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास कॉन्सेप्ट्स की लास्ट क्लास होगी और अपन लोग क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके बोर्ड पर एक बात लिख रखी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि सर क्या क्या स्टेटमेंट में हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं कैश फ्लो के अंदर। बोलो क्लियर है सर? तो उसमें सबसे पहला हमने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोविजन फॉर टैक्स। दोस्तों अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए है ना, इफ नो इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, एक फोन उठा लूं 2 मिनट के लिए। हेलो, हाँ बच्चों सॉरी। देखिए, इफ नो इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन, बच्चों अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स ओनली दे रखा है और उसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग क्या करते सर? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करेंगे और ओपनिंग वाले प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे। सर लेकिन ये एड कहां पे होगा? इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। और सर ये लेस कहां से होगा? ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में लेस होगा। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? सर ऐसा क्यों? एक बार फिर मैं समझा देता हूं, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, आज एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हमें प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग वाला प्लस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो टैक्स के नाम का खर्चा मैंने मेरे P&L के अंदर डाल रखा है। अब सर मुझे बिफोर टैक्स पे जाना है तो टैक्स जो ऑलरेडी माइनस कर रखा हो जो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो सर 31 मार्च को जो भी पैसा आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर करा है वो तो इस साल का प्रोविजन है जो आपने P&L में चार्ज किया है, उसे प्लस करते ही आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाओगे। बोलो क्लियर है? लेकिन सर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो यह माना जाएगा कि आपके इस ईयर के ओपनिंग में जो प्रोविजन फॉर टैक्स रखा हुआ है, इस ईयर के ओपनिंग में जो प्रोविजन फॉर टैक्स रखा हुआ है वो तो कंपलसरी आप ड्यू डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग को पे करोगे, है ना। तो सर ये माना जाएगा कि ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने पिछले साल P&L में डाला था उसको मैं इस साल, क्योंकि ये साल मेरा असेसमेंट ईयर होगा उस साल का, इस साल में वो पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी को कंपलसरी पे कर दूंगा, तो इसीलिए मैंने ओपनिंग वाले को माइनस करा। बोलो क्लियर एवरीबडी? सर क्लोजिंग वाला प्लस क्यों होता है? क्योंकि वो इस साल का P&L में गया, मुझे बिफोर टैक्स पे जाना होगा तो मैं प्लस करूंगा। एंड सर ओपनिंग वाला माइनस क्यों करा? क्योंकि सर पिछले साल की लायबिलिटी मैं टैक्स के नाम की पे करूंगा इस साल, क्योंकि पिछले साल की टैक्स ऑडिट कब होगी? इस साल में। बोलो क्लियर एवरीबडी? देन यहां पे लेकिन सर वॉट इफ क्वेश्चन सेज समथिंग, क्वेश्चन कुछ बोलना चाह रहा है। यस, हमें सर प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ क्वेश्चन ने कुछ बोल भी दिया। अरे यार एक सेकंड, अरे लाइन गलत। हाँ सर, हमें सर प्रोविजन फॉर टैक्स के, अरे यार क्या सर, अरे लाइन किसने नहीं आ रही, क्या हमको पढ़ाएगा साला ये, ऐसे कौन बोल रहा है? शिवम है। अरे यार वही, कोई बात नहीं, बोल दो ना यार, मुझे कौन सा बुरा लगता है, मैं तो ठीक हूँ, नकटी आदमी है। ऐसा कौन बोल रहा था मुझे? शिवम बोल रहा है, ऐसा बोल रहा,
मेरी पूरी गैंग चलती इंदौर में, पूरी गैंग है, हम उसके लीडर हैं भैया, चाचा हमारे विधायक हैं भाई, है मजा के। चलिए सर देखें, व्हाट इफ इन क्वेश्चन से समथिंग, क्वेश्चन ने समथिंग समथिंग कुछ बोला, क्या बोला? क्वेश्चन ने आपको बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्स, आपके पास एक फिगर है क्लोजिंग वाला और एक फिगर है ओपनिंग वाला, ये तो अभी भी बोल रखा था आप लोगों को, ठीक है जी। क्लोजिंग वाले में बोला 20,000 है और ओपनिंग वाले ने बोला 18,000 है, और साथ में मुझे बैलेंस शीट के नीचे एक समथिंग समथिंग कुछ बोल दिया, उसने बोल दिया कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वॉज 15,000, कितना बोल दिया 15,000। तो सर जब भी आपको अगर पेट दे दिया तो हमें कंपलसरीली निकालना पड़ेगा प्रोवाइडेड, क्या निकालना पड़ेगा प्रोवाइडेड, और अगर प्रोवाइडेड दिया है तो हमें कंपलसरी क्या निकालना पड़ेगा, पेट निकालना पड़ेगा। समथिंग समथिंग मैंने दो बार बोला था, तो क्वेश्चन दो बातें बोल सकता है, या तो बोल दे कि आपने एक्चुअल टैक्स पे कितना करा है, या बोल देगा एक्चुअल टैक्स प्रोवाइडेड कितना करा है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल बोला था कि पेड और प्रोवाइडेड में, पेड और प्रोवाइडेड में डिफरेंस क्या होता है। प्रोवाइडेड वो चीज होती है जो मैं इस साल के P&L में रिकॉर्ड करता हूं, और पे वो होती है जो मेरे जेब से गई होती है। बोलो क्लियर है? कल मैंने एक रेंट का एग्जांपल भी दिया था कि सर हमने हमने P&L में जो मतलब सॉरी हमने हमने जो रेंट पूरे साल भर का रिकॉर्ड किया है P&L में, वो 15,000 के है, लेकिन पे कितना करा है, सिर्फ 13,000। ये कल का एग्जाम्पल भी लिया था। फिर आउटस्टैंडिंग वाली बात आती है, तो यहां पर भी सर अगर आपको क्वेश्चन ने पेड दे दिया है, पेड मतलब होता है कितना एक्चुअल में पे करा है इस साल, और सर अगर पेड दिया है तो मैं क्या निकालूंगा, प्रोवाइडेड कि सर P&L में कितना डाला, या उन्होंने अगर P&L में कितना डाला वो दिया है तो मैं क्या निकालूंगा, पेड निकाल। तो कह रहे सर क्या बोला था मैंने अभी ऊपर वाले केस में, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं मतलब क्या, ये वाली लाइन अगर नहीं बोली क्वेश्चन ने तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं सर, क्लोजिंग वाला प्लस करता हूं, ओपनिंग वाला माइनस करता हूं। लेकिन सर क्वेश्चन ने ये बोल दिया, जब ये बोल दिया तो ये चीजें अब हमारे सामने नहीं होंगी, ये चीजें अब हमारे सामने नहीं होंगी। ये चीजें अब हमारे सामने नहीं होंगी सर। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? डन बच्चों, डन डन डन। तो अब हमारे सामने क्या होगा कि सर हमें पेड दे दिया है, क्योंकि सर पिछले केस में हमने अज्यूम किया था कि पिछले साल का पे हो गया होगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने क्लियर बोल रखा है, तो हमें सर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? अभी सिर्फ समझना है, क्योंकि आप लोगों को लेजर समझ में नहीं आते ऐसा मुझे पता चल रहा है। चले सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप लोगों को बनाना होगा, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जैसे ही हम बनाएंगे तो मैं ये ओपनिंग प्रोविजन को सबसे पहले लूंगा। चलो बच्चों, कोई नहीं बोलेगा, सोचेंगे फिर बोलेंगे। ओपनिंग प्रोविजन इस प्रोविजन अकाउंट में ओपन करना पड़ेगा। जब कभी भी ओपन होता है तो हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। बीडी सुबह उठ के क्या करना चाहिए, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, है ना बच्चों? तो बच्चों आइए, यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी में उतारू या बाय बैलेंस बीडी में उतारू। मेरा कहने का मतलब है कि सर मैं डेबिट साइड उतारू या क्रेडिट साइड उतारू ओपनिंग प्रोविजन, और यह आंसर मुझे वैभवी डेबिट साइड। क्रेडिट, क्योंकि सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का ऑलवेज ओपनिंग क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि सर लाइबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। चलिए सर, तो बच्चा क्लोजिंग किधर आएगा, और क्लोजिंग को किस नाम से लिखेंगे, सी डी, है ना? कितने से आएगा सर, 20,000 सर। क्लियर है? ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ये पोस्टिंग कर दिया है तो CACT पास किया अपन ने, है ना? अब एग्जीक्यूटिव पास करेंगे कि सर पेड जो दे रखा है वो पेड इस अकाउंट में डेबिट साइड लिखूं कि क्रेडिट साइड लिखूं, सोचेंगे फिर बोलेंगे, मैं जिसको पूछूंगा वो ऑनलाइन वाले भी सर
जो पेड पेड लिखा है, पेड लिखा है इनकम टैक्स पेड, वो प्रोविजन अकाउंट में डेबिट साइड उतरेगा कि क्रेडिट साइड उतरेगा? और ये मेरा आंसर मैं पूछने वाला हूँ शिवम से। शिवम इसका आंसर देके जा मुझे भाई। डेबिट साइड, डेबिट साइड सर। वाई वाई? क्योंकि वो ओपनिंग प्रोविजन में से मैंने कुछ पे करा, पे करने से लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो सर क्या हुआ, डेबिट करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पर आएगा टू बैंक, इससे दोस्तों आप लोग का भाई फ्रेंड आएगा बैलेंसिंग फिगर वो कितना आएगा 17,000। तो दोस्तों दिस 70,000 बिंग कॉल्ड पीएनडल के नाम से, जिसको मैं बोलूंगा प्रोवाइडेड और इसको बोलूंगा मैं पेड। तो बच्चों अब ये वाला प्लस होगा और पेड वाला माइनस होगा। तो सर प्रोवाइड वाला प्लस कहां पर होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर। और पेड वाला माइनस कहां से होगा? वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के जस्ट बाद, ऑपरेटिंग के अंदर। देयर एवरीबॉडी? बोलो क्रिश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ चलो अभी समझा, ये प्रोवाइडेड आ गया वो समझ में आ गया? हाँ हाँ वही। तो प्रोवाइडेड वाला वो चीज होती है जो पीएनडल में चली गई, पीएनडल में चली गई तो मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बिफोर टैक्स जाना है। लेकिन सर जो पे वाली वो एक्चुअल में पे करी गई है, जो कि ऑपरेटिंग के सबसे नीचे माइनस करनी पड़ेगी। ले रहे बच्चू? हाँ चलिए आगे बढ़ू पक्का। यस सर। तो यहां पर आपका टैक्स का एडजस्टमेंट तो खत्म होता है सर। सेकेंड इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड ओनली ओपनिंग विल कंसीडर। क्लियर है? क्लोजिंग को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो सर ये ओपनिंग वाला क्या होगा? एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा। ओपनिंग वाला ही प्लस होगा, ओपनिंग वाला ही माइनस होगा। लेकिन सर वो माइनस कहां से होगा? फाइनेंसिंग से। लेकिन सर प्लस कहां से होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लियर एवरीबॉडी? आ रहा है समझ में सब? नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में बच्चों? ऑनलाइन वालों आ रहा है समझ में कि जा रही है? ऑनलाइन वालों वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड एडजस्टमेंट तो देख लिए, थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट, बाकी हाँ बाकी तो खाली याद रखने की बातें हैं। तो पहले बाकी वाली बता दूं कि डिप्रेशन पे सीधा जंप कर जाऊं? पहले बाकी वाले बता दे, है ना? बाकी वाले बता देता हूँ सर। बाकी वाले में ये बोला गया है कि सर जैसे कि आपके पास इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना है, किसका एडजस्टमेंट करना है? इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट में देता हूं किसको? सामने वाले को। तो सर हमारे पास ये क्लोजिंग फिगर है और कौन सा फिगर है? ओपनिंग फिगर है। सर आप ये फिगर फिगर मत बोला करो सर। मैं यार क्या है भाई, एक ही बात अभी बोला सुबह से, लेकिन ये बोला सर फिगर मत बोला करो, मैं सीधा हरदा पहुंच जाता हूं। चोरा चोरी। अच्छा 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 अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि सर फिगर मत बोलो, फिगर को अमाउंट बोलो, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है फिगर की ओर। ये कौन सा फिगर लिखा है मैंने? ये कितने गंदे लोग, जीरो फिगर बोल रहे हो। हाँ जीरो अमाउंट है जी सर। कितने कमा लिए सर? कहाँ बुकिंग कर ली सर आज? किसकी बुकिंग कर ली? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात, मैंने ये थोड़ी पूछा किसका। चल अच्छा, गर्मी भी लग रही है। ओके इस बात से मैं क्या समझूं। चलिए सर आइए, इंटरेस्ट है, ओपनिंग फिगर दे रखा है आपको 2,00,000 का, क्लोजिंग दे रखा है 3,00,000 का, और ये बोला कि ये फिगर है 15% डिबेंचर्स का। किसका है? डिबेंचर्स। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
तो बच्चों ये ओपनिंग में 2 लाख का डिबेंचर था, क्लोजिंग में 3 लाख का डिबेंचर है, तो इसका मतलब 1 लाख का डिबेंचर मैंने इशू करा है, तो वो 1 लाख रुपए फाइनेंसिंग में इनफ्लो तो होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बात आएगी 31 मार्च को, तो बताओ मैं 2 लाख पे इंटरेस्ट दूं कि 3 लाख पे दूं, क्योंकि क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला मुझे। मुझे लॉजिक भी चाहिए फिर। तो दोस्तों यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर 15% डिबेंचर बोला है तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओपनिंग में 2 लाख थे, क्लोजिंग में 3 लाख है, लेकिन क्वेश्चन ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि सर 1 लाख का एडिशनल डिबेंचर कब इश्यू करा है, तो ऑलवेज हम अज्यूम करेंगे कि जो एडिशन हुआ है वो एडिशन लास्ट डे पर हुआ। क्या अज्यूम करेंगे? एडिशन लास्ट डे पे हुआ है। जिस अजम्पशन से रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा कि जो हम इंटरेस्ट देंगे वो ऑलवेज किस पे देंगे सर? ओपनिंग फिगर पे देंगे। अरे 2 लाख पे 15%, बोलो क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल दिया कि सर ये जो डिबेंचर इशू कराए ना वो 1 अप्रैल को ही किया है, तो अब क्वेश्चन ने बोल दिया तो ये तो ओपनिंग में ही करा है, तो उस केस में मैं इंटरेस्ट अब 2 लाख पे दूंगा कि 3 लाख पे? 3 लाख पे देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ये डिबेंचर जो इशू कराए वो 1 अक्टूबर को कराए, तो सर 2 लाख पे 6 महीने का और 3 लाख पे 6 महीने का, उतना तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आप पढ़ रहे हो FM के अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इफेक्टिव रेट, फिर याद रखना पर एनम कंपाउंडिंग है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग पर एनम रेट है, इसमें नहीं आएगी वो तो FM में, वो तो मैं ही बोलता रहता हूँ बीच में, मुझे इंटरेस्ट है ना इसलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में मुझे तो बहुत से लोगों में इंटरेस्ट होता है, क्या करूं मैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, ये भी बात क्लियर हो गई बच्चों? तो कोई भी हमें देखना है कि सर एडिशन डिलीशन कब हुआ, या हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन में डेट, तो ऑलवेज हम अज्यूम करेंगे वो कब हो रहा है? लास्ट डे पर। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो किस पे होगा? ओपनिंग वाले पे होगा। देर एवरीबडी, अब सर आ ही जाते हैं सीधा डेप्रिसिएशन एंड लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। क्या बोल रहे हो मुझे, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ तो बोला अभी। रविन जी आ गए, रविन जी प्लीज एट, प्लीज एट, प्लीज एट। रविन जी आप लेट क्यों आते हो भाई? अच्छा ठीक है ब्रो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो कवर कर लेना इसको। मुझे बोला आपके रहता है। नहीं, मेरी क्लास का टाइम 1:30 का चालू होने का है, लेकिन ये जो जनता जनार्दन जो इंदौर की है वो 1:40 1:45 से पहले शुरू नहीं होने देती है, मैं तो 1:30 पे प्रीमाइस पे अवेलेबल हो जाता हूँ, और आप लोग को बोल रहा हूँ मुझे 1:30 पे लेक्चर चाहिए, मतलब चाहिए भाई हो यार, है ना? तो तुम लोग उससे पहले लंच करके तैयार रहो, नहीं तो भी 1:40 पे मैं शुरू कर देता हूँ, है ना रविन जी? तो आप 1:30 1:40 के बीच में आ जाओ, आप रोज आधे घंटे लेट होते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ें छूट जाती है फिर अपने, है ना सर? ठीक है रविन जी, ओके ओके बे, नो प्रॉब्लम ब्रो। कहाँ से हो वैसे रविन जी, आप कहाँ से हो? वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और बाकी लोग ये कहाँ से हैं? अंतिमा कहाँ से है? कहाँ से आपकी वॉइस ब्रेक हो गई? अच्छा न्यू दिल्ली ओके, न्यू दिल्ली, वेरी गुड। हर्षिता जी कहाँ से हैं? से।
ऋतिक जी कहाँ से हैं? अलीगढ़। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप सब लोग? हाँ, झांसी से अपन तो। रतलाम? क्यों रतलाम ही से हुए? क्यों क्यों? इंदौरी, इंदौरी सब इंदौर। चलो ठीक है। शिवांश अन्नपूर्ण? हाँ नहीं कर दिया। छतरपुर से? कौन वो छतरी बिकती उधर? बहुत क्या एक्सचेंज हो रहा है भाई? भाई गिफ्ट कर रहा है? कौन गिफ्ट कर रहा क्या बोल रहा मेरे को? हाँ क्या बोल रहा है? भाई मारो मुझे मारो। चलिए बच्चों, डेप्रिसिएशन और इस पे बात करनी। डेप्रिसिएशन के साथ आप इसे एक बात और लिख सकते हो क्या सर? अमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? नॉन कैश आइटम होते हैं। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल होता है। सर ये दोनों डेप्रिसिएशन बोल दो या अमोर्टाइजेशन बोल दो, ये दोनों ऐड होते हैं नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर। कहाँ पर ऐड होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर। ऑपरेटिंग के अंदर बोलो, क्लियर है सर? कहाँ पे? ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखा। मैंने सबसे पहले उसे क्या पूछा था कि बेटा तू कैश है? उसने बोला नहीं सर मैं तो नॉन कैश भी हूँ। तो ये दोनों वहां से ऐड करने पड़ेंगे। एक तो ये एडजस्टमेंट होता है। दूसरा सर, लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है ना, वो पीएनएल में जाके गिरता है। कहाँ जाके गिरता है? पीएनएल में जाके गिरता है। जो कि वो गेन या लॉस जो हुआ वो मेरा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है कि नॉन ऑपरेटिंग से? नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि सर वो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ वो तो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, अपना कहाँ चला गया? पीएनएल में। तो मुझे इनका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सर लॉस जो होता है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा और गेन जो होता है वो ऑपरेटिंग से माइनस होगा। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? और इनकी जो नेट सेलिंग प्राइस होती है वो इन्वेस्टिंग में प्लस होती है। क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस जो होती है, इन दोनों से रिलेटेड जो नेट सेलिंग प्राइस होती है वो इन्वेस्टिंग में क्या होगी? क्लियर? ये तो समझ में आ गया। तो सर हमें अभी ये पता लगाना है कि जो भी मैं यहां पे आपको भी कैलकुलेशन समझाऊंगा उसमें मुझे तीन बातों को देखना है। कितनी बातों को देखना है? तीन बातों को। एक तो सर डेप्रिसिएशन कितना है या अमोर्टाइजेशन कितना है, पहली बात। दूसरा सर लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है वो देखना है। तीसरी बात सर सेलिंग प्राइस कितना है, क्या देखना है मुझे? सेलिंग प्राइस कितना है। इन तीनों का एडजस्टमेंट सीएफएस के अंदर होता है। सर पहले एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन हो या अमोर्टाइजेशन हो ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर, नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर में। फिर सर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा। एंड सर जो नेट सेलिंग प्राइस होगी वो नेट सेलिंग प्राइस मेरे को इन्वेस्टिंग में प्लस करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है सर? और सर नेट सेलिंग की प्राइस मुझे साथ में देखना पड़ेगा कि आपने कुछ परचेस तो नहीं करा। अगर कुछ परचेस करा है तो वो क्या होगा सर? इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। बोलो, इतनी सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। क्लियर एवरीबॉडी के? नहीं बोलो बच्चों? आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? बच्चों मैं तुम्हें सीएफएस दिखा रहा हूं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा? बच्चों नहीं आ रहा, ऐसा कौन बोल रहा है? रिश भाई ऑल गुड? ओके, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाभी जी ठीक है? क्रिश बोल रहा है सर मेरे पास भाभी नहीं, मेरे पास बाबा है। हाँ ये क्या होता है मतलब कि सर?
इतना नोट कर ले, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं केस इतने में समझ लेता हूं, मैं आपको केस समझा दू। ये इम्पैक्ट है कि सर अगर परचेस करा तो इन्वेस्टिंग में से आउटफ्लो हुआ, क्योंकि मैंने असेट को परचेस करा मतलब इन्वेस्टमेंट करा जिससे मेरे पास से कैश गया, और सेल करा तो कैश आया, तो सेल करेंगे तो प्लस होगा एंड परचेस करेंगे तो माइनस होगा। यस 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 लिख लो बच्चों जल्दी पहले फटाफट। इतना ठीक है, चलो लिखो। बहुत हंसते रहते हो आप लोग।
हो गया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? ट्रोल्ड, बस बस बस, जी सर, जी सर, इतनी सी बात के लिए इन्हें सबको डरा दिया। अच्छा स्क्रॉल, अभी नहीं बेटा, जल्दी लिखो। हाँ वो अभी बताऊंगा ना, डिप्रेशन में अभी कहाँ बताया डिप्रेशन अभी। अरे डिप्रेशन अभी तो इसलिए तो आज पूरा दिन इस पे ही तो है, अभी डिप्रेशन समझाए कहाँ है, ये तो खाली बताए ये ध्यान रखना है, वो कैसे निकालेंगे वो अपन अभी निकाल रहे हैं अपन। बेटा तुम्हारा नाम ही स्क्रॉल रख दूंगा मैं, बुरा नहीं है ना भाईजान। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ यार, नहीं मानते हो तुम मुझे तुम्हारा अपना। ओ रतलाम वालों, ओ हरदा वालों, चलिए सर बढ़वाऊँ मैं केस, आगे बढ़वाऊँ फाइल, आगे बढ़वाऊँ। ज़्यादा ही हो गया अभी, हाँ नहीं, लव यू ऑल, लव यू ऑल फॉर योर काइंड कॉर्पोरेशन कॉपरेशन एंड काला ये पढ़ा पढ़ा के नॉन कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह वगैरह। किसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का?
ये मैंने ये लिखवाया था ना बेटा उस दिन, सॉरी। हाँ जैसे कि ये अपन क्या कर रहे थे कि मेन वर्जन तो यही होता है, ये ऑपरेटिंग का ये जो लिखवाया था वो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक एक बात उठा उठा के पढ़ रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बोल सकता है, क्या बोल सकता है सब। तो आपको उतना सारा याद नहीं रखना है, वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको मेन ये याद रखना है, ये क्लियर। इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। चलिए सर, अब डेप्रिसिएशन के केस पढ़ते हैं अपन, आइए मेरे साथ साथ। केस नंबर वन, ये केस लिखो आप लोग मेरे साथ साथ। अरे वो काटा है मैंने, वो तो ऐसे ही है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। क्लियर अरे डेप्रिशन 15,000 है और उसको बेचा है 60,000 पे, कॉमा ओमा तो देखो आप लोग, इंटरप्रिटेशन वाले लोगों। हाँ अब इसमें आप मुझे निकाल के बताओ डेप्रिसिएशन कितना, सेलिंग प्राइस कितना, आप लोग जितनी कैलकुलेशन कर सकते करो, फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। 2 मिनट ले लो, इसको सोल्व करो आप लोग, चलो जल्दी फटाफट करो, फिर मैं तो करवाऊंगा ही। करो सब लोग जल्दी। क्योंकि आप लोग सब 11th 12th तो पास करके आए हो, मुझे खाली करके बताओ सर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल या सेलिंग प्राइस, उन सब का इम्पेक्ट जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी सही वो करके, लेकिन पहले आप जितना आपका दिमाग लगा सकते हो लगाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा।
जो कुछ निकल सकता है निकालो। हाँ सारे फिगर से। देखना पड़ेगा। करवा रहा हूं मैं अभी। वेरी गुड। जिसने जो भी करा तो सही करा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी गलती समझ में आएगी, लेकिन करो, उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा बच्चों। चले बता दूं मैं, हो गया आप लोगों से। चलिए सर मैं यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ। चलो बच्चों एक एक अकाउंट बना के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। डेबिट है इधर, क्रेडिट है। चलिए बच्चों आप लोग बताओ, मशीनरी अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन किधर जाएगा? टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस? टू में, क्योंकि वो असेट है ना। तो यह लिखूंगा मैं सर क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का सर? 2 लाख रुपए। देखिए ओपनिंग वाला मैंने इधर लिखा है, ठीक है सर। क्लोजिंग वाला किधर जाएगा? बाय बैलेंस सीडी कितने का सर? 1 लाख रुपए का। चलिए तो क्लियर हो गया। अब सर देखो, ड्यूरिंग द ईयर अ कंपनी सोल्ड अ पार्ट ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 50,000 की कॉस्टिंग थी। उस पर डेप्रिशन कितना लग गया अभी तक? 15,000 उसी मशीन पे, बाकी पे नहीं। उसको बेचा कितने में? 60,000 पे। तो सर सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, डेप्रिशिएशन जब कभी अपन किसी असेट को सेल करते हैं तो उसका टिल डेट डेप्रिशन पहले माइनस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेलिंग वाली मशीन, है ना, डेप्रिशन ऑन सेलिंग मशीन कितना सर? 15,000। और मुझे सर मिला कितना पैसा? उसको मैं कर दूंगा बाय बैंक अकाउंट। कितना मिला मुझे सर? 60,000। अब सर एक वर्किंग नोट बनेगा इधर कि सर मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो सर देखो 50,000 की कॉस्टिंग थी लेकिन उसपे अभी तक डेप्रिशन कितना चार्ज कर लिया था मैंने? 15,000। तो जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट मेरे हाथों में कितनी थी? 35,000। लेकिन मैंने उसको सेल कितने में करा? 60,000 में। तो बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? सर ये प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना सर? 25,000। सर यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ प्रॉफिट? क्योंकि वो क्रेडिट कहाँ पर होता है? क्रेडिट कहाँ पर होता है? P&L में होता है। क्लियर है सर? अब बैलेंस फिगर निकालो सर कितना आ रहा है? 20,000। किधर साइड आ रहा है सर? इधर साइड आ रहा है 20,000। तो सर अगर यहां पे फिगर आ रहा है तो मैं इसको क्या कंसीडर कर दूंगा? परचेस। तो इसको क्या ले दूंगा? बैंक अकाउंट में।
अगर सर यहां पर आता तो मैं इसको डेप्रिसिएशन मानता अदर असेट पे। बोलो क्लियर है सर, क्लियर एवरीबॉडी। सर अगर मैं थोड़ी सी फेर बदल कर देता इसके अंदर तो यहां पर फिगर आता, यहां पर आता तो अपन उसको क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन। यहां पर आया तो क्या माना, परचेज। बोलो क्लियर एवरीबॉडी। तो सर यहां पर ट्रीटमेंट क्या होगा, अब देखना मेरे साथ। क्या हुआ करके बताओ बच्चों, कैलकुलेटर है ना आपके पास, मैं ही कर लेता हूं। अरे फिगर इधर ही तो आएगा रे, जाओ कैलकुलेटर तुम। कैलकुलेटर क्या क्या करते हो यार, फिर मेरे पे शक करते हो कि सर आपने, है ना सर। यहां पर ये परचेज नहीं है, यहां पर आएगा सर बाय डेप्रिसिएशन, कितना 50,000। हाँ क्योंकि कॉस्टिंग दे रखी, बुक वैल्यू नहीं दे रखी। यहां पर अगर बुक वैल्यू दे रखी होती तो उसमें से ऑलरेडी माइनस माना जाता। बुक वैल्यू का मतलब ही होता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। चलो लिख लो इसको फटाफट, बाय डेप्रिसिएशन। अब सर देखो इसमें से मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिएंगी। सबसे पहले एक नंबर पर यह चाहिएगा नॉन ऑपरेटिंग के अंदर माइनस होगा, दूसरा सर दूसरे नंबर पे ये चाहिएगा जो कि प्लस होगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तीसरा सर डेप्रिसिएशन, एक तो 50,000 ये और 15,000 ये टोटल मुझे प्लस करने पड़ेंगे कहाँ पर, नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर। क्लियर एवरीबॉडी, आता है समझ में, बस ये आपका सिंपल। नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर प्लस होगा ना, क्योंकि सर जब भी मशीन सोल होती है ना तो ये माना जाता है कि टिल डेट उसका डेप्रिसिएशन पहले माइनस करो। क्लियर है, मैं डर गया। चलिए बच्चों, आगे बढ़े और केस दूं, समझ में आएगा सबको। सर एक मशीन अकाउंट से क्या क्या चीजें मिलती है, हमें क्या क्या देखना पड़ता है सर। एक तो सबसे पहले देखना पड़ता है डेप्रिसिएशन कितना मैं प्लस करूं, तो एक तो मुझे यह देखना पड़ता है, क्लियर है। फिर मुझे देखना पड़ता है लॉस या प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट होगा तो माइनस करूंगा ऑपरेटिंग के अंदर से, लॉस होगा तो प्लस करूंगा क्योंकि वो पीएनएल में चला गया लेकिन ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था। फिर सर मुझे नेट सेलिंग प्राइस देखनी पड़ती है, जो भी नेट सेलिंग प्राइस होती है वो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, प्लस होता है। फिर सर मुझे देखना पड़ता है अगर कुछ परचेस होगा तो इन्वेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतनी सारी बातें अपन को देखनी पड़ेगी, इतने सारे इम्पैक्ट उसके अलग अलग जगह कैश फ्लो पे। चलो क्लियर है, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, अभी तक क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करा है लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ज्यादातर। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चैप्टर बहुत इजी लगेगा आप लोगों को, टेंशन लेने की बात ही नहीं। क्लियर है जी बच्चों, डन, ऑनलाइन वालों डन। आगे बढ़ू क्या बच्चों, एक घूंट पानी के साथ। बड़ो सर बड़ो।
चलो बेटा मज़े, कोई बात नहीं, फिर अटेम्प्ट लगेगा तो मुझे मत बोलना। क्यों अपुन नहीं जानते? केस नंबर टू, आइए दोस्तों केस नंबर टू। किसका? नहीं, किसका है? क्या बात है, मेरे मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, आपको इस संसार की सारी खुशियाँ मिले, आपको एक खूबसूरत सी बीबी मिले और ढेर सारे आपके जो, हाँ ढेर सारा पैसा आपको मिले। आप क्या समझ गए? चलिए सर, ढेर सारे आपको, आपका बीबी का आपको प्यार मिले सर, और उससे पहले आप सीएस बन जाओ, ये मेरी कामना रहेगी आपसे। चलिए सर, वेलकम वेलकम। हाँ इसको करके बताओ, फिर मिलते हैं अपन थोड़ी देर में। चलिए करके बता दूं मैं। चलिए सर, सर मेरी बात सुनिएगा बच्चों, जब जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि सर जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग मेंटेन करते हैं ना, देखो बच्चों जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग मेंटेन करते हैं ना, तो ये मानना कि जो बैलेंस शीट में असेट्स आ रही है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे आती। किस पे आती? कॉस्ट प्राइस पे आती। सर ऐसा एक बिजनेसमैन क्यों करता है? देखो सर, मैंने 5 लाख की कोई असेट खरीदी, अब एवरी ईयर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर मेरे बैलेंस शीट की वैल्यू तो कम हो जाएगी।
एवरी ईयर में 1 लाख रुपीज चार्ज करूंगा, तो ईयर बाय ईयर जब मेरे बिजनेस को ग्रो करना चाहिए उसके जगह मेरी बैलेंस शीट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सर बिजनेसमैन ने हम लोगों से पूछा कि हे सीए लोगों, आप बताओ कि हम ऐसा क्या जुगाड़ ले आए जिससे बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू भी कम ना हो और डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। कोई भी नहीं सुन रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है ना, सुन रहे हो? अच्छा, दो चार तो सुन रहे, बहुत अच्छी, थैंक यू, है ना, मैं आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहूंगा। चलिए सर सुनिए क्या होगा। तो कई बार बिजनेसमैन बोलते हैं कि मुझे मेरी बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू को कम नहीं करना है, तो सीए देवता बताओ कि क्या ट्रीटमेंट लगा दूं। तो हमने बोला कि काम कर, तू है ना असेट को असेट सॉरी डेप्रिसिएशन को असेट में से माइनस ना करके उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना ले। क्या बना ले? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिससे क्या होगा कि सर असेट यहां पर 5 लाख की 5 लाख होगी और उससे रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज करेंगे वो अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो सर ऐसा जब उसने पूछा तो इसके हिसाब से तो कभी भी डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस ही नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने बोला दुकानदार ने कि ए भाई सीए तू बता, जिस दिन मैं इस असेट को सेल करूंगा उस दिन क्या करना। तो मैंने बोला कि भाई जिस दिन तू असेट को सेल करेगा तो चाहे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्यों ना बना रहा हो, अब तुझे डेप्रिसिएशन उस असेट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जिस दिन असेट ही ना रहेगी तो उससे रिलेटेड प्रोविजन का हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो सर जिस दिन असेट सोल हो जाएगी उस दिन मरते समय मैं उस असेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा जो जिंदगी में आज तक माइनस नहीं किया था, बोलो क्लियर है जी। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें अपन। तो सर जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा तो वर्किंग नोट में सर मेरे पास दो अकाउंट बन जाएंगे, एक तो बनेगा मशीनरी अकाउंट, अच्छो प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट। चलिए 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 चलिए, ओए रतलामी से लॉन्ग से इधर देखो भैया, मशीनरी अकाउंट और पीएफडी बनाया। पीएफडी बोले तो क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रेशन अकाउंट। चलो मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस प्रशांत जी किधर जाएगा? इधर जाएगा बोल डेबिट। हाँ तो सर मैंने लिख दिया पे क्या, टू बैलेंस, इतना डरते क्यों यार भाई, टू बैलेंस बीडी कितना आएगा सर, 2 लाख। चलो यार अब छतरपुर वाले, ओ चचा छतरपुर वाले बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? है जी इधर क्रेडिट में, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो से लिख दूंगा सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर, क्लियर एवरीबॉडी? चलो तो क्लोजिंग भी उतार दो, अभी मत लिखो बच्चों, है ना, फिर आप लोग क्या वो जो मेन बात है वो अब चूक जाओगे। चलो ओपनिंग क्लोजिंग फिगर तो उतार दिया, अब मेरी बात सुनना सर, मशीन की कॉस्टिंग का माल मैंने बेचा कितने का, 50,000 का, कितने में बेचा, 15,000 में, लेकिन उस पर डेप्रिशन कितना था, 12,000। तो जिस दिन वो डेप्रिशिएशन जाएगा तो अब प्रोविजन अकाउंट से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन वो असेट ही मर गई तो उससे रिलेटेड डेप्रिशिएशन तो अब मुझे मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 12,000 में से मैं डेप्रिशिएशन को माइनस कर दूंगा और उसको ट्रांसफर कर दूंगा कहां पर, मशीन अकाउंट में, कितना सर 12,000, और ये पूरा उठ के कहां चला जाएगा सर, इधर चला जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12,000, क्योंकि सर जब भी मैं प्रोविजन मेंटेन करता हूं तो बाकी मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं जाता इसके अंदर, लेकिन सर कोई असेट को सेल ही कर देंगे उस दिन तो माइनस करना पड़ेगा। मरते दम तो सच्चाई बोल दो, है ना, कि अभी तक तो मुझे आपने झूठ में रखा कि मैं डेप्रिसिएट होती गई, मैं डेप्रिसिएट होती गई, ऐसा कौन बोल रही है, मशीन बोल रही, मैं डेप्रिसिएट होती गई लेकिन मेरा डेप्रिशन आपने मेरे में से माइनस ना करके कहां रख दिया था, प्रोविजन में, लेकिन अब तो मुझे दे दो, अब तो मुझे दे दो क्या मेरा डेप्रिसिएशन, तो मरते समय माइनस कर देंगे, हमने दे दिया। लेकिन सर इस बात से आपको क्या मिला कि सर प्रोविजन अकाउंट में 20,000 का ओपनिंग प्रोविजन था जिसमें से 12 तो चला गया और क्लोजिंग 30 बचाए, तो बताओ यहां पे बाय बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बोलो कितना आएगा, 22,000।
ये डेप्रिशन फॉर द ईयर प्लस होगा अपना ऑपरेटिंग के अंदर। बोलो क्लियर है, पहला ट्रीटमेंट हमने देख लिया सर। दूसरा बताओ, अब बताओ, अब हमको सेल करना है सर। हमें सेलिंग प्राइस कितनी मिली बाय बैंक, कितने का? 15,000। इसको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा कहां पर? इन्वेस्टिंग में। लेकिन सर इसको 15,000 में बेचने से मुझे क्या हुआ, फायदा या नुकसान? नुकसान। देखें सर कैसे, कॉस्टिंग कितने की थी, 50,000 की, इसमें से डेप्रिशन कितना माइनस पड़ेगा, 12,000। कितने की बची, 38,000। लेकिन बेचा कितने में, 15,000 में। लॉस कितना आएगा, 23,000। 23,000 का लॉस यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्योंकि पीएनएल में क्या होगा, डेबिट होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे करूँगा बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि वो क्या है, लॉस है। जिससे सर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिसको मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट 50,000 से, जो कि क्या माना, 150, जो कि क्या माना जाएगा, परचेस, जो कि माइनस होगा इन्वेस्टिंग में से। क्लियर एवरीबडी? किस किसने इसको सही कर दिया था? सही था, और किसका सही था? आधा, तुम्हारा तो आधा है इश्क, आधा रे जाइक। चलिए 22,000 ऑपरेटिंग के अंदर नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर प्लस होगा, वहीं पे प्लस होता है नॉन कैश एक्सपेंस। ओके ब्रो, क्लियर एवरीबॉडी? आया समझ में? हैवी हो गया क्या? हैवी तो नहीं हुआ, ये तो 11-12 में करके आते थे, लेकिन इतने सारे इन्फॉर्मेशन देखनी रहती है। बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रेशन समझ में आ गया? ओके बच्चों, चलिए बच्चों, क्लियर एवरीबॉडी? डन। अब हम क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे, उससे पहले अपन आ जाएंगे मॉड्यूल के अंदर। ये मेरी बुक से बताऊंगा मैं, पहले मेरी बुक से बताऊं क्या करूं, क्या करूं? चलो मेरे बुक से कर ले मैं, आरके बुक।
क्या प्लानिंग चल रही है हमको ही बताओ यार भैया। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ ढूंढ के। अच्छा गया बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, वो तो पूरी बुक खुल रही है। चलो बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब ये यहां से हट नहीं जाए। चलो सर, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब मुझे कौन सा कैलकुलेट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम, वेरी गुड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। चलो बच्चों शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ। बिल्स रिसीवेबल, ओ सर कुछ भी दे नहीं रखा है, और देखो ये ओपनिंग साल है और ये क्लोजिंग साल है। कभी आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस को क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है ना, ध्यान रखना बच्चों, है ना, कभी क्लोजिंग इधर ओपनिंग इधर ध्यान रखना। मैंने अभी तक जो एग्जाम में समझाए, पहले ओपनिंग फिर बाद में क्लोजिंग लिखा था मैंने, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बोलो क्लियर है? लेकिन कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन को पूछने के लिए, ठीक है? आप बताओ, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें फिगर लिखूंगा सबसे पहले इस साल के लिखूँ के पिछले साल के लिखूँ? इस साल के तो मैंने तो वैसे ही लिखा था, क्लोजिंग इधर और ओपनिंग इधर, वो स्टैंडर्ड होता है बैलेंस शीट में, आप देख सकते हो। लेकिन सर एग्जाम है, मेंटल एबिलिटी चेक होती है, तो वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर 16 इधर दिया, 17 इधर दिया। अब सर देखो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे दिया कितना? 7,000। मैंने बोला था मेरे पहले केस में अगर क्लियर दे देंगे तो अच्छी बात है, उसी को ले लेंगे। तो सर हम यहां से शुरू करेंगे, 7,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब देखो सर, बिल रिसीवेबल मेरी करंट असेट है, डेटर करंट असेट है, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, एक्रूड इनकम, करंट असेट। अब सर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी है, बस 7,000 को नेट प्रॉफिट मान लो। फिर पूछूंगा तू कैश में है, हम इन्फॉर्मेशन देंगे कुछ भी नहीं है, तो हाँ बेटा इसको क्या मान लेंगे? कैश। फिर बोलूंगा तू ऑपरेटिंग है, हाँ ऑपरेटिंग है। फिर क्या एडजस्टमेंट होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट असेट, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट 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 करंट, इन सबका इंक्रीज डिक्रीज वाला कर दूंगा और आंसर मेरे सामने आ जाएगा। करके बता दू क्या है ना सर? तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख दूंगा सर 7,000 को लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर लिखूंगा सर एड या लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, उसका डैश है कुछ भी नहीं है। फिर सर एड या लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग, कुछ भी नहीं है। फिर से लिखूंगा सर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें सर करंट असेट, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। चलो करंट असेट अगर डिक्रीज होंगी तो क्या होगा? प्लस। इंक्रीज होंगी तो माइनस, करंट असेट डिक्रीज होंगी तो माइनस, इंक्रीज होंगी तो प्लस। इसमें से सब देख लेना, इंक्रीज डिक्रीज। जैसे बिल्स रिसीवेबल कम हो गया, पहले कितने का था? 5,000 का, अब कितने को है? 6,000। मतलब क्या करूंगा? प्लस करूंगा 3। ऐसे क्वेश्चंस हो करोगे हम वक्त में आज करवाऊँ मैं कर लेंगे। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन ये किसका क्वेश्चन है? चलिए सर।
आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, बच्चों दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन और आपको ही मेरा नाम दिख रहा होगा, आपका प्यारा जगत दुलारा रौनक कुटर CARK। ओ सर इसने ए के बाद डॉट नहीं लगाया, टाइपिस्ट की प्रॉब्लम होगी, मैं तो खुद छापता नहीं हूँ। चलिए सर देखेंगे। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल है, क्या है बच्चों शेयर कैपिटल? पहले कितने की थी? 20,000 की, अब कितनी है? 25,000। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 5,000 का शेयर इशू मानूंगा। सर तो क्वेश्चन क्या बोल सकता है? क्वेश्चन बोल सकता है कि हमने बोनस दिया, अगर बोनस दिया हो तो कोई कैश फ्लो नहीं होता है, वो तो हमने फ्री में शेयर दिया है, उसके बदले कोई ना तो कैश आया ना गया। तो क्वेश्चन में देखना बोनस तो नहीं है क्या? तो इस क्वेश्चन में बोनस तो नहीं है, तो हम क्या मानेंगे सर? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। कहां पे प्लस होगा? फाइनेंसिंग में। सर फिर देखो सर, डिबेंचर्स ओपनिंग कितना है? 10। क्लोजिंग कितना है? 8,000। लेकिन रेट क्या है? 12%। तो ये 2,000 का जो रिडम्पशन हुआ है, एक तो वो माइनस होगा कहां से? फाइनेंसिंग में से। लेकिन वो कब हुआ है ये क्वेश्चन ने गिवन नहीं है, तो मैं अज्यूम करूंगा ये क्लोजिंग डेट पे हुआ है। तो जो भी इंटरेस्ट दिया होगा वो किस पे दिया होगा? 10,000 पे। तो 10,000 का 12% 1,200 रुपए ऊपर से क्या करूंगा? प्लस। और माइनस कहां करूंगा? फाइनेंसिंग। सर मेरी लैंग्वेज में ऊपर बोले तो क्या? ऑपरेटिंग। बच्चों ओ सर जनरल रिजर्व, ओ माय गॉड सर जनरल रिजर्व पहले 5 था, ओ माय, देखो यहाँ पे पहले 5 था, अब कितना हो गया है? 7,000। इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया? ऐसे समझाया मैंने आप? ट्रांसपोर्ट ये कैलकुलेट कहां पर होगा? वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट में किसके अंदर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम के अंदर। मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी सर, एक तो ले लो आप डिफरेंस इन SPL, फिर ले लो डिफरेंस इन GR, फिर ले लो सर डिविडेंड एनी काइंड, क्लोजिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड, ये सब बातें मैंने आपको। इनकम टैक्स रिफंड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 3 दिन में मैंने ना पूरा CFS खत्म कर दिया आप लोगों का। अब सिर्फ मुझे क्वेश्चन कराना है तो 29 से पहले ये खत्म हो जाएगा। वाह यार, ताली से स्वागत तो करो यार एक बार यार, भैया मजा आ जाना चाहिए यार। CFS और रेशो तो अपना क्योंकि 11th 12th वाले हैं उसमें अपन को। हाँ वो पीछे क्योंकि मेरे पास अभी कैश नहीं है जेब में। देखिए हाँ सर आगे बढ़ेंगे। ले सर आइए। क्रेडिटर्स पहले 4 का है, अब 6 का। क्रेडिटर क्या होता है? करंट लायबिलिटी। इसका इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी होगा किधर जाएगा रे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। बिल्स पेबल का भी किधर जाएगा रे? वर्किंग कैपिटल। आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल। ओके सर। फिर गुडविल, पहले 1,000 अब 200। 800 का क्या है? अमोर्टाइजेशन है, जो कि प्लस होगा कहां पर? नॉन कैश के अंदर। बुढ़िया डरने का नहीं, आज होमवर्क है, ट्राई करना है, नहीं होगा मैं कहीं नहीं भागे जा रहा हूं, मैं करवाऊंगा, ठीक है जी, करवाऊंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का अब कितना है सर? 28 का है। परचेज मानेंगे क्योंकि कुछ लिखा नहीं तो डेप्रिशन नहीं मानूंगा सर। ओ एक बात बताओ सर, अगर ये होता है ना सिंपल लैंड तो उस पर डेप्रिशन लगता भी नहीं है, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत उन्हीं असेट पे डेप्रिशन लगता है जिसका एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होता है ना? हमारी जमीन जायदाद का अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होता है तो उस पे डेप्रिशन चार्ज करने की जरूरत नहीं होता है। S10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ने क्लियरली बोल रखा है, लेकिन उसने बोल रखा है कि आपके पास जो जमीन है वो आपने लीज पे ले रखी है तो उस पे डेप्रिशन चार्ज करें, क्योंकि मेरे लिए वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी कुछ लिमिटेड समय के लिए है तो उस पे मैं डेप्रिशन। ये सब बातें मैं आपको एस वाली क्लास में बताऊं। अरे सर चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनरी 10 का है, 13,000 बढ़ गया, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है। डेटर वर्किंग कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, ओपनिंग कैश जोड़ दूंगा तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा कैश एंड कैश। अगेन सो सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम अवर, ये भी आपका आज का होमवर्क रहेगा क्योंकि 3 दिन से आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो। और बच्चों शेयर चैप्टर का टेस्ट बना हुआ रेडी, उसका क्या करना है? मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था,
तो आप बताओ डेट, मैं आपके कंफर्ट में चलना चाहता हूँ, मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ कि यार भैया बस अभी को भी टेस्ट दे दो, बाकी सब गए तेल लेने। नहीं यार, यहीं से संडे को ले लूँ। संडे को इस बार छुट्टी है क्या आप लोगों की? चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। वीर एंड सन्स, कौन सा वीर एंड सन? सबसे पहले एडिशनल देख लो, क्या देख लो? एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों, ये आज दे दूँ क्या करूँ मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स क्वेश्चंस के? हाँ चलिए सर, देखिए। हाँ चलिए सर, चलिए सर, देखिए डिफॉल्ट नहीं है। देख बेटा, मैं मेरी लाइफ में बहुत परफेक्ट आदमी हूँ मैं। है ना, तो फिर तो बुक ये नहीं। चलो सर देखिए, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग कितना? 1000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 300। वो बूढ़ी माँ बोलेगी अब तो मेरा डेप्रिसिएशन दे दो, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होता है, क्योंकि हम जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन उसको इकट्ठा करके रख देते हैं प्रोविजन अकाउंट में, तो इकट्ठे को इंग्लिश में अक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सोल्ड फॉर 500, बच्चों बताओ प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। कितने का? वेरी गुड, करेक्ट आंसर रविंद्र जी। देखो उस 1000 में सबसे पहले 300 माइनस करेंगे डेप्रिशन का, क्योंकि बूढ़ी माँ को उस समय तो हमें प्यार देना पड़ेगा, है ना, उसका जिंदगी भर का डेप्रिशिएशन तब तो माइनस करना पड़ेगा। तो उस 1000 में से 300 माइनस कर दिया, अब बूढ़ी माँ जब मरी तब वो कितने की थी? 700 की। लेकिन मरते समय हमने कितने में बेच दिया उसको? 500 में। तो सर बताओ हमारा लॉस कितना हो गया? 200 रुपये। बोलो क्लियर आंसर, आगे बढ़ेंगे। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ऑन 1 जनवरी वॉज 2500 एंड क्लोजिंग में इतना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना। बच्चों बहुत सिंपल है ना सर, प्रोविजन अकाउंट भी बनेगा, मशीन अकाउंट भी बनेगा, जिससे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है। मैं बस में बैठना पसंद नहीं करता है। बच्चों देखो कितने क्वेश्चन से बताया अपने पास टोटल? ओनली आई थिंक 12 क्वेश्चन। ओ सर खाली 12 क्वेश्चन? ओ सर ओनली ओनली 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 3 क्वेश्चन तो हो गए, अब कितने बचे हैं? 9। कल से क्या करना है हमें? इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। तो 9 क्वेश्चन करने में कल 3 क्वेश्चन कराऊंगा तो कितने दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा? तो अभी 1.5 दिनों कितने डेट को खत्म हो रहा है? संडे को क्लास लगा लूँ इस बार ऐसा सोच रहा हूँ मैं। अरे क्योंकि इस वीक में छुट्टी हो गई थी ना मेरी यार, ट्यूसडे को, संडे को रिजल्ट है। ओके चलिए बच्चों, तो सब लोग 3 क्वेश्चन होमवर्क करो, मैं इन लोगों से 2 मिनट बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। चलिए बच्चों, बाय 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 बाय।